यार ऐश अब तक पूरे के पूरे 7 रीजन घूम चुका है, और यार हर एक रीजन में नए पोकेमोन्स, नए कंपेनियंस, नई पोके गर्ल, नए प्रोफेसर, नए जिम लीडर के साथ साथ आते हैं नए राइवल्स। और यार आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऐश के टॉप 10 स्ट्रॉन्गेस्ट राइवल की। मैं जानता हूँ यार इतने तो रीजन भी नहीं है जितने मैं आज यहाँ पे राइवल रैंक करने वाला हूँ, लेकिन यार उन सारे रीजन में कुछ ऐसे साइड राइवल्स भी थे जो कि यार ऐश के मेन राइवल्स से काफी ज्यादा पावरफुल थे। सो हे गाइस एंड वेलकम इन टू द पोके मैट्रिक्स। आज का वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होगा, और यार तुम लोग मुझे जरा से कमेंट्स में जरूर बताना कि यार मैं अपने वीडियोस में और क्या इम्प्रूव करूं, ताकि तुम लोगों को भी देखने में ज्यादा मजा आए, तुम लोग भी उनको शेयर करो। तो यार बस यार इतना ही मुझे बता देना कमेंट्स में, और यार अभी ज्यादा टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, अपनी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 रिची। देखो यार इंडिगो लीग में हम लोगों को काफी सारे अमेजिंग अमेजिंग ट्रेनर्स देखने के लिए मिले थे, लेकिन यार उनमें से मुझे रिची में काफी अलग चीज दिखी, क्योंकि यार वो बेसिकली हमारे टोटली ऐश जैसा था, और यार उसके पास खुद का एक पिकाचू था जिसका नाम था स्पार्की, और यार उसके पास एक चार्मेंडर भी था, और यार आगे के एपिसोड्स में जब हम देखेंगे उसको, जब वो जोटो में वापस आया तब यार उसके पास एक प्यूपिटार था, और यार अब तक तो वो एक टायरेंटार भी बन चुका होगा, और यार वही एक इकलौता बंदा था जिसने यार इंडिगो लीग में हमारे ऐश को पछाड़ा था। वैसे तो वहां पे हमारा ऐश आराम से जीत सकता था, लेकिन यार चार्जार्ड ने ऐश को धोखा दे दिया, और यार बेसिकली वहां पर हमारा जो कि ऐश था उसकी भी काफी सारी गलतियां थी। और यार रिची एक बहुत ही ज्यादा शाइंड एंड बेस्ट राइवल था ऐश का, भले ही वो बहुत शॉर्ट टर्म के लिए था, लेकिन था, और यार मेरे हिसाब से रिची इस लिस्ट में डिजर्व करता है। नंबर 9 बैरी। वेल यार बैरी काफी ज्यादा अंडररेटेड राइवल है, बिकॉज यार वो एनीमे में काफी बार अपियर तो हो चुका है, और यार ऐश के साथ बैटल भी कर चुका है, और यार ऐश के साथ जब उसके एम्पोलियन की मैच हो रही थी तभी हमारा जो कि चिमचार था वो इन्फरनेप तक इवॉल्व हो पाया था। उसके सेकंड स्टेज का नाम मैं भूल रहा हूँ इसलिए मैंने ऐसा बोला। सिंस हमारे बैरी के पास थे एम्पोलियन, स्टारेप्टर, रोजेलिया, हेराक्रॉस, स्कारमरी एंड हिटमॉनली जैसे बहुत ही ज्यादा अच्छे पोकेमोन, और यार बैरी ने काफी सारे बैजेस भी भाई कलेक्ट किए थे, और यार उनमें से कुछ 3 बैजेस थे जो कि काफी ज्यादा अलग थे, जो कि अनडिफाइंड थे पोकेमोन एनीमे में भी। और यार एज अ राइवल हम बैरी को देखे तो यार वो काफी अच्छा था, और यार हमेशा एक्साइटेड रहता था स्ट्रॉन्गेस्ट अपोनेंट से बैटल करने के लिए, और यार वो हमारे पॉल एंड ऐश दोनों से शायद एक कदम आगे ही रहा करता था, इनफैक्ट हमारे ऐश से तो आगे ही रहता था, और यार वो बहुत ही अच्छा दोस्त भी था, तो बैरी इस लिस्ट में है। नंबर 8 कवाई। और आई डोंट नो मैं इसका नाम ढंग से प्रोनाउंस कर रहा हूँ कि नहीं, तुम लोग यार ऑफेंड मत हो जाना, सिंस यार ये हमारा अलोला का कंपेनियन है हमारे ऐश का, और यार उसके साथ ऐश के साथ काफी टाइम से है वो अलोला में, और यार वो एक फायर टाइप ट्रेनर है, और वो काफी अच्छा राइवल रहा है भाई हमारे ऐश का। ऐश के साथ काफी अच्छे अच्छे बैटल्स लड़े हैं उसने, और तो और यार वही एक इकलौता बंदा था जो कि यार ऐश को बहुत बेकार से बेकार सिचुएशन में मोटिवेटेड रखता था, और यार उसी ने जहाँ तक मुझे पता है हमारे ऐश को काफी ज्यादा ट्रेन किया है वो उसके जी मूव के लिए। यार हमारे इस ट्रेनर के पास है एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल चारिजार्ड, एक टर्टोनेटर, और यार एक अलोलन मेरोवैक, और यार हम लोग इसके मतलब कैरेक्टर की बात करें तो यार ये हमारे ब्रॉक से काफी ज्यादा मिलता जुलता है, और यार तुम लोग भी जानते हो कि यार हमारा ब्रॉक कितना अच्छा है, और यार इसी वजह से ये ट्रेनर हमारे लिस्ट में है। नंबर 7 ट्रिप। तो यार ट्रिप हमारे ऐश का ब्लैक एंड व्हाइट से बहुत ही ज्यादा खतरनाक राइवल है, और यार ये वन ऑफ मोस्ट डिसलाइक्ड कैरेक्टर्स की लिस्ट में भी आता है, बिकॉज यार इसका एटीट्यूड बहुत ही ज्यादा खराब था, और यार ये जब भी ऐश से मिलता था काफी बेकार टोन में बात करता था। हमारा ऐश इतना पोलाइटली उससे बात करता है, लेकिन इस बंदे को शर्म नहीं आती थी, और यार फर्स्ट एपिसोड में ही हमारा ऐश का जो पिकाचू जो 70-80 लेवल का है वो एक 5 लेवल के स्नाइवी से हारते हुए दिखाया गया था, जो कि यार बहुत ही ज़्यादा नॉनसेंस बेकार चीज़ थी, और ट्रिप का भाई वो स्नाइवी इतना ज़्यादा पावरफुल कैसे था आई डोंट नो, लेकिन यार पोकेमॉन लीग में ऐश और ट्रिप का जो कि क्लैश था वो काफ़ी ज़्यादा ओपी था, सिंस हमारा ऐश ट्रिप से जीत चुका था, लेकिन स्टिल भाई ट्रिप पूरे एनीमे में ब्लैक एंड व्हाइट में बहुत ही अच्छा राइवल बना, और यार उसके पास काफ़ी ज़्यादा पावरफुल पोकेमॉन्स थे, ये यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो, और यार डेफिनेटली ट्रिप बहुत ही ज़्यादा अच्छा राइवल था ऐश का।
नंबर सिक्स बिया। देखो यार बिया बहुत ही ज्यादा अच्छी राइवल बन चुकी है हमारे ऐश केचम की गिलार रीजन में, और बेसिकली वो ही एक इकलौती ट्रेनर है जिसने ऐश को एक नहीं दो बार हराया है। और यार दूसरे बैटल में तो हमारे लुकारियो ने किया ही कमाल किया था भाई उसके जैगेंटा मैक्स माचैम्प के खिलाफ, और स्टिल भाई हमारा ऐश जीता मेगा एवोल्यूशन के बदौलत। और ऑफकोर्स भाई बी काफ़ी अच्छी राइवल है भाई हमारे ऐश की, और यार डेफिनेटली हमारा ऐश उससे मतलब मास्टर क्लास ट्रेनर में बैटल करेगा। और यार बिया का अभी कैरेक्टर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा चल रहा है, और यार वो एक फाइटिंग टाइप जिम लीडर है तो यार उसके क्या ही कहने। और यार बिया का तो मतलब उसका कैरेक्टर काफ़ी अच्छे से नरिशमेंट दे रहा है भाई एनीमे में, और यार मुझे तो काफ़ी अच्छी लगती है भाई वो एज अ राइवल हमारे ऐश के लिए। और यार उसके बारे में और मैं क्या क्या बोलूँ वो कम पड़ेगा, लेकिन यार वो डेफिनेटली इस लिस्ट में आना डिजर्व करती है। नंबर फाइव पे जो ये राइवल है इसका मैं नाम नहीं ले रहा बिकॉज फिर से प्रोनाउंसिएशन की दिक्कत है, लेकिन यार ये बंदा अलोला में ऐश को काफ़ी बढ़िया टक्कर देता था, और ऐसा कभी भी नहीं हुआ था कि यार हमारा ऐश उससे एक भी बार जीता, और फिर हमारे ऐश ने सीधा पोकेमोन लीग में उससे भाई बदला निकाला उसको हरा के, जो कि काफी काफी ज्यादा बैड एस सीन था। ये पोकेमोन ट्रेनर जो कि ऐश का राइवल था वो अलोला में काफी ज्यादा मुझे बहुत ही पसंद था, और बेसिकली इसके काफी पावरफुल पोकेमोन्स भी थे भाई, और यार ये एज अ फ्रेंड भी बहुत अच्छा था हमारे ऐश के साथ, काफी ज्यादा इसने ट्रैवल किया है एंड यार काफ़ी ज़्यादा बैटल्स भी लड़े हैं और काफ़ी सारे अल्ट्रा बीस से भी लड़ा है ये। और सिंस भाई मुझे कुल मिला के इसके बारे में मैं ज़्यादा बोलने लग जाऊँगा तो ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, तो मैं अभी फ़िलहाल तो कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन स्टिल वो बहुत ही अच्छा राइवल है ऐश का। नंबर फोर्थ गैरी ओक है भाई हमारे ऐश का टूर राइवल, और यार जो कि सीजन वन है पोकेमोन का उसके अंदर हम लोगों को भाई गैरी ही एक ऐसा राइवल है जिसने भाई ऐश को चिढ़ाने के लिए इधर उधर उसके बारे में ऐश इज अ लूजर वगैरह लिखा था, जो कि यार एक राइवल की काफी अच्छी छाप छोड़ता है। और यार वो सिर्फ और सिर्फ एक राइवल नहीं था, वो ऐश का काफी ज्यादा अच्छा दोस्त भी है, और यार ऐश और गैरी की जब भी बैटल होती है वहां पर हमारे पोकेमोन के जो भी फैंस है वो काफी ज्यादा हाइप्ड हो जाते हैं। जोटो रीजन की बैटल काफी ज्यादा अच्छी थी भाई, तुम लोग खुद ही सोच सकते हो भाई वो बैटल कितनी ज्यादा एपिक थी। और यार गैरी सब लोगों का फेवरेट राइवल है भाई, और यार उसका एटीट्यूड काफी अच्छा है, ना ज्यादा खराब ना ज्यादा अच्छा, और यार इसी वजह से भाई गैरी को काफी ज्यादा लोग पसंद करते हैं। और उसने पोकेमोन जर्नीज में रिटर्न आके हमारे गो को जब से रोस्ट किया है उसके बाद से गैरी की फैन फॉलोइंग और भी ज्यादा बढ़ चुकी है। नंबर थ्री सवियर। देखो यार सवियर काफी अच्छा राइवल रह चुका है हमारे ऐश का कार्लोस से, उसने काफी बार भाई हमारे ऐश को चैलेंज किया उसके ट्रिकों के साथ, और यार उसने काफी अच्छे बैटल्स में भाई हमारे ऐश से लड़ाई की है, उसने कभी भी हार नहीं माने भाई हमारे ऐश के खिलाफ, सिंस उसने एक बार तो उसके सेप्टाइल ने हमारे ऐश ग्रे निंजा को हरा दिया था उसके ऐश ग्रे निंजा फॉर्म में, वहां पे हमारे ऐश के साथ कुछ प्रॉब्लम चल रही थी लेकिन उसने हराया था। और यार सोवियर ने काफी अच्छी कड़ी ट्रेनिंग के साथ हमारे ऐश को पोकेमोन लीग में भी बहुत ही अच्छी टक्कर दी थी उसके मेगा सेप्टाइल ने, और यार वो बैटल इतनी ज्यादा एपिक थी कि यार मैं उसके बारे में बात करते करते थक जाऊंगा और तुम लोग सुनते सुनते नहीं थकोगे, और यार इसीलिए सोवियर इस लिस्ट में नंबर थ्री पे डिजर्व तो करता ही करता है। नंबर टू पे जो आता है वो है अलान, और यार ऑफ कोर्स अलान इज बेस्ट राइवल एवर, क्योंकि यार क्या ही बताओ यार इसका एटीट्यूड सब कुछ एपिक था, इसने भाई ऐश को इससे कभी भी जीतने नहीं दिया, और यार इसका चारिज़ार्ड था ही भाई बहुत ही ज्यादा पावरफुल, लेकिन यार हमारे ऐश ने पूरी एड़ी चोटी का दम लगा दिया था पोकेमोन लीग में उसको हराने का। और यार अलान के बारे में ज्यादा कुछ बताने की जरूरत भी नहीं है भाई कि वो नंबर टू पे क्यों है, और तुम में से काफी लोग भाई अभी ऑफेंड हो रहे होंगे कमेंट्स में कि भाई इसको नंबर वन पे क्यों नहीं रखा, लेकिन रुको जरा सब्र तो करो यार नंबर वन अभी बाकी है। नंबर वन पे जो राइवल आता है वो है पॉल। अब यार पॉल का नाम सुनते तुम लोग जो भी पिछले नंबर टू पे ऑफेंड हो रहे थे तुम लोग अभी काफी अच्छे से सहमत होगे, बिकॉज यार पॉल जैसा राइवल अभी तक मैंने पोकेमोन एनीमे में नहीं देखा, उसका एटीट्यूड और यार उसके जो कि पोकेमोन जो ट्रेंड थे वो कितने ज्यादा पावरफुल थे।
सिंस उसका छोड़ा हुआ जो कि चिमचार था वो इतना ज्यादा पावरफुल निकला कि क्या बताओ। अब यार मैं पॉल की जितनी ज्यादा अच्छाई करूँ वो कम है, क्योंकि यार पॉल जैसा बेस्ट ड्राइवल आज तक मैंने पोकेमॉन एनिमे में नहीं देखा। पॉल ने ऐश को बहुत ही अच्छी अच्छी टक्कर दी है, और यार हमारा ऐश भी पॉल से काफ़ी कुछ सीख चुका है, और यार हमारा पॉल बाद में भाई हमारे ऐश से हारने के बाद उसकी रिस्पेक्ट भी करने लगा था। तो यार तुम लोग इस लिस्ट से सहमत हो या नहीं मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताना, और वीडियो पसंद आया लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, और 50K काफ़ी करीब है तो यार कर दो यार सब्सक्राइब, और यार मैं मिलता हूँ अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।